सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दिबियापुर में आकर के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए हम सबको चुनाव करना है और कन्नौज को चतुर्थ चरण में यह अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आभारी हूं कि 2019 में एक महागठबंधन को तोड़ करके आपने एक जुझारू नेता को अपना सांसद बनाकर के देश की संसद में भेजा। सांसद कैसे होना चाहिए? एक सांसद के रूप में संसद से लेकर के संसदीय क्षेत्र तक उनकी उपस्थिति आपके बीच में रही। और बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों को जो सुख में दुख में सम और विषम परिस्थिति में आपके साथ रहे, वही सच्चा नेता है, जनता का वही सच्चा सेवक है। और श्री सुब्रत पाठक ने लगातार आपके बीच में रहकर के उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बनाया है और इसीलिए आज हम सब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, राजभर पार्टी, इन सब दलों ने मिलकर के समर्थन देकर के श्री सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके कन्नौज की जनता के लिए सेवा के साथ फिर से भेजा है। बहनों और भाइयों, दिबियापुर आने के पहले मैं फरुखाबाद में था, उससे पहले मैं महाकाल की धरती में था, मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार करके आया। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं, तीसरा चरण 7 मई को पूरा होने वाला है और पूरे देश के अंदर जो स्वर गूंज रहे हैं वह दो ही प्रकार के हैं। जहां भी मैं गया, वेस्ट बंगाल में गया, महाराष्ट्र में गया, जम्मू कश्मीर में गया, उत्तराखंड में गया, राजस्थान में गया, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। मैंने लोगों से पूछा, मोदी सरकार का स्वर क्यों गूंज रहा है, क्या कारण है? तो बहनों और भाइयों, जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि मोदी सरकार का मतलब, उन्होंने कहा मोदी जी को हम तीसरा कार्यकाल इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने, इसलिए हम मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, सम्मान भी दिलाया है, सुरक्षा भी दी है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याण कार्यक्रम के कार्यक्रमों भी बढ़ाया है और इस सबसे बढ़कर के एक और कार्य हुआ है, वह जो राम को लाए हैं हम। आप भी सहमत हैं ना? समाजवादी पार्टी के समय में अयोध्या में क्या होता था? गोलियां चलती थी राम भक्तों पर, क्या होता था? गोलियां चलती थी और बोलते थे लोग कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या में आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में। कितने लोग अयोध्या गए हैं आप में से? अरे पूरा बिधुना ही गया है लगता है, बाकी जो बच जाएंगे मैं सुब्रत जी से कहूंगा और गीता साक्य जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार बिधुना विधानसभा क्षेत्र के भी लोगों को ले जाकर के अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाए। आज आपको लगेगा अयोध्या एक बार त्रेता युग का, प्रभु राम के समय का राम राज्य फिर से अयोध्या में आ गया है।
बहनों और भाइयों, जो आज अयोध्या नई अयोध्या दिखाई दे रही है, क्या कांग्रेस, सपा या बसपा इस प्रकार का कार्य कर पाती क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम वो यही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आज तो अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अयोध्या में होली भी खेली और होली के साथ साथ अपना पावन जन्मदिन रामनवमी का भी भव्य आयोजन अयोध्या में हुआ। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा कैसे भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था, क्या दिव्यता थी, क्या भव्यता थी, पूरी दुनिया विभूत थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और एक काम कर पाता क्या? क्या कांग्रेस, सपा के लोग कर पाते क्या? क्या बसपा के लोग कर पाते क्या? और बहनों और भाइयों, जो काम पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने करके दिखाया, देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ा, देश की सुरक्षा सेवाएं, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आतंकी घटना भी नहीं होती है, नक्सलवाद और आतंकवाद को नियंत्रित कर दिया गया। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये वह भारत नहीं है जब आतंकवाद को देख करके कांग्रेस और यूपीए गठबंधन में, तब कांग्रेस भी थी और समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन दे रही थी और आतंकी घटना होती थी, ये लोग कहते थे कि वो तो सीमा पार का आतंकवाद है। अरे आतंकवाद आतंकवाद है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा है। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसके घर में घुस करके मारा जाता है, उसके सामने नतमस्तक नहीं हुआ जाता है। और आज आप देख रहे होंगे किसी की हिम्मत नहीं, दुस्साहस नहीं कि विस्फोट कर दे। और ये समाजवादी पार्टी तो ये यहां जनता भूखा मरती थी, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, इसी सुब्रत पाठक पर झूठे मुकदमे दर्ज करके महीनों इनको बंद करके रख दिया था, क्योंकि आपकी आवाज को उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी के राजकता के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और आतंकवादियों पर मुकदमे जो थे उन मुकदमों को समाजवादी पार्टी समाप्त कर रही थी। आतंकवादियों ने कौन से ऐसे घटनाएं की थी यूपी में, उसमें सबसे पहली घटना थी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की न्यायालय में हमला। बहनों और भाइयों, आस्था पर भी प्रहार हो रहा था और साथ साथ न्यायपालिका पर भी और सुरक्षा बलों पर भी, और समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। तब न्यायालय ने टिप्पणी की थी, न्यायालय ने कहा था, समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की थी, कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लोगे, कल इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश के अंदर क्या संदेश जाएगा, आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। और बहनों और भाइयों, न्यायालय ने समाजवादी पार्टी को रोका था, जो आतंकवाद के समर्थक होंगे क्या आप उनको समर्थन देंगे, क्या उनको समर्थन देकर के पाप करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को असुरक्षित करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये किर्क और दूसरी तरफ आतंकवाद मुक्त भारत,
समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में दंगे होते थे, लगातार दंगे, हर दूसरे दिन दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और बहनों भाइयों, दंगा और कर्फ्यू की बात तो दूर, एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और दूसरी तरफ जितने बड़े बड़े माफिया थे, इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल गई है, निकल गई है ना। अब यही पीड़ा है समाजवादी पार्टी की। अभी सुब्रत पाठक कह रहे थे ना कि बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित था, राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। जबकि मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग उनके गांव गए थे, श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, वही अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। देखा ना आपने क्या हाल है इन लोगों के। यानी आपके नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी दिवंगत हो जाए तो संवेदना के शब्द नहीं, एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था, जो यहां के व्यापारियों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। वही माफिया और अपराधियों को ये लोग अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश में तांडव मचाते थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, मोदी जी ने विकास किया है, हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आपके औरैया में भी मेडिकल कॉलेज बना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, देश के अंदर IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इनका एक संजाल बिछा है। और समाजवादी पार्टी ने तो कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का ही नामकरण बदल दिया था। और तो हमने, जब मैं पिछले दिनों भी कन्नौज गया था, श्री सुब्रत पाठक, श्री मरुड़, इन सब ने मुझसे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नामकरण था, समाजवादी पार्टी ने हटाया है और बाबा साहब देश के संविधान के शिल्पी हैं, उनके नाम पे फिर से होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो गया है। ये लोग किस नैतिकता से बात करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग किस नैतिकता से बात करते हैं। इनके समय में लोग भूखों मरते थे और इस समय 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के समय में लोग उपचार के अभाव में मरते थे, आज देश के अंदर बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम उसको लोग कहते हैं कि भाई विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का या किसी कार्यकर्ता का पत्र नहीं है तो भी वो स्वयं भी मेरे पास पत्र भेजता है, तो हम उसको उपचार का खर्चा अपनी ओर से भेजते हैं। मैं कहता हूं जाओ उपचार कराओ, निश्चिंत होकर उपचार करना, चिंता मत करना, उपचार कराओ, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपकी देखभाल करेगी, क्योंकि हमारा नागरिक है, ये हमारा दायित्व है, उसके उपचार की जिम्मेदारी लेना। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण,
10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया। और मोदी जी ने कहा है जितने लोग बचे होंगे जिनके पास मकान नहीं उनको भी मकान मिलेगा, अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक मकान मिलेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा सम्मान गरीब कल्याण करने वाली योजना सरकार है और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। आप सोचो बिजुना वासियों, आप सोचो, कांग्रेस इंडी गठबंधन का मुख्य घटक है, उसने अपनी घोषणा पत्र में क्या कहा है? उसने कहा है कि हम लोग अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कौन सा ऐसा खाना है जो बहुसंख्यक पसंद नहीं करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? वह तो केवल गोमांस है। क्या कांग्रेस और सपा के लोग देश के अंदर गौ हत्या करने की अनुमति देंगे? हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। कोई गौ हत्या करेगा, गौ हत्या करने के पहले उसके जहन्नुम के रास्ते खोल दिए जाएंगे। बहनों भाइयों, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये लोग आपके अधिकारों पर भी डकैती डाल रहे हैं और साथ साथ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने एक और काम कर दिया, इन्होंने कहा है हम वरासत टैक्स लगाएंगे। आप सोचो, वरासत टैक्स, आपको मध्यकाल का एक बर्बर मुगल बादशाह औरंगजेब का याद होगा। कोई भी सभ्य मुसलमान भी अपने परिवार के किसी पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। अब कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन सपा आदि के लोग एक वरासत टैक्स लगाएंगे जिसमें आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आएगी तो वरासत टैक्स लेकर के आपसे आधी संपत्ति ले लेगी। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या माता बहनें अपने जेवर को क्या उनको सौंप देंगी? क्या बहन और भाइयों, इनको ये डकैती डालने की छूट नहीं देनी है। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का योग्य प्रत्याशी कन्नौज लोकसभा सीट पर से सुब्रत पाठक के रूप में आपके सामने है। एक जुझारू है, आपके लिए कार्य करने वाला है, सम विषम परिस्थितियों में लड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। सुब्रत पाठक को जिता करके भेजेंगे, बिदुना विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, सहमत है? लेकिन इसके लिए 13 को वोट है। आज अब आपके पास केवल 8 दिन का प्रचार का समय है, लोकसभा क्षेत्र बड़ा है। सुब्रत पाठक को अन्य क्षेत्रों में भी समर्थन वोट लोगों से अपील करने के लिए सभा करने के लिए जाना होगा। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करिए। बहनों और भाइयों, विकास जितना चाहिए आप बताइए, आपके बिदुना में भी और कन्नौज में उतना विकास होगा। सहमत हैं? घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे, सुब्रत पाठक को विजयी बनाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की